पति बोला पत्नी का धर्म परिवर्तन कराना चाहता है युवक। भोपाल जाया पति एसपी से लगाई गुहार। खबर एसपी ऑफिस से आ रही है। यहाँ एक भोपाल से युवक अपना आवेदन लेकर आया और बताया कि उसकी पत्नी को एक युवक अपने साथ ले गया है। अब उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। मेरे ससुराल वाले कुछ नहीं बता रहे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भोपाल में इसकी शिकायत दर्ज कराई तो वहां की पुलिस ने बोला कि आप शिवपुरी जाकर FIR करवाओ। ये कहना था पूरन सिंह राजपूत पुत्र हजारीलाल निवासी महामई का बाग ऐशबाग भोपाल का, जो अपनी फरियाद लेकर एसपी के पास आया था। पूरन ने बताया कि भोपाल में रहने वाला एच रहमान उर्फ छोटू मियां, जो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है और असामाजिक प्रवृत्ति का है तथा कई बार जेल जा चुका है, वह उसकी पत्नी को ले गया है। युवक मेरी पत्नी व दोनों नाबालिग पुत्रियों को अपने कब्जे में रखा हुआ है। जब मैंने अपनी पुत्रियां जीशान से वापस मांगी तो जान से मारने की धमकी दी। मेरी पत्नी का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वहीं भोपाल पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जब मैं शिवपुरी आया तो सास व साले ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, इसलिए मामले की कार्रवाई कर मेरी बच्ची व बीबी को वापस दिलवाया जाए। क्या नाम है आपका? पूरन सिंह राजपूत। आप कहाँ से आए? भोपाल से। एसपी ऑफिस आने का कारण क्या? मैं भोपाल TI साहब ने बोला है कि शिवपुरी जाके गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाओ। मामला क्या पूरा था? पूरा मामला ये है कि एक जीशान नाम का व्यक्ति है, वो मेरे बच्चे और मेरी बीवी का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है और वो मेरे पास ऑडियो वीडियो धमकी भरे पत्र भेज रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। इस चक्कर में मैं जहाँ पर आया हूँ उसका गुमशुदा की रिपोर्ट दे। यहाँ कौन रहता है? जहाँ पर मेरे सास ससुर और साले रहते हैं। तो उनसे पूछने पे क्या मालूम? वो मैं घर जाने के लिए धमकी दे रहे हैं। साले बोलते हैं कि घर गए तो काट के फेंक देंगे। तो आपकी बीवी उनके संपर्क में कैसे आई? वो क्या सेकंड लॉकडाउन लगा था उसमें वो खाने बांटने का काम करता था। कहाँ पर? घर घरों में नगर निगम से खाना उठाता था और जगह जगह बांटता था। उस चक्कर में संपर्क में आई। तो आपके घर भी खाना पहुँचाता था? हाँ, वो तो सभी घरों में पहुँचाता था। इस बीच कोई संपर्क हो पाया आपकी पत्नी से आपका? नहीं, अभी तक मेरा कोई संपर्क नहीं है, ना फोन लग रही है। मैं लगा परेशान नहीं लग रही है। वो बता रहे थे तलाक के कागज भी? हाँ, मेरे पास नकली तलाक के कागज पहुँचाए गए हैं, क्योंकि तलाक के कागज कोर्ट द्वारा लिफाफे में आते हैं, साइन करवा के ले जाते हैं, मगर वो सामने वाले लड़के को मकान सामने अपने रहता है उसको पकड़ा के भाग गया। कौन ने पकड़ा है? जीशान ने। और उसका क्या कहना है फिर? जीशान से आपने बात की थी तो? जीशान से बात कर अभी तक तो मतलब मेरी बात नहीं हुई है, मतलब मेरी बहनों ने बात करी है, तो मेरी बहनों को भी धमकी के दे रही है। उसके आंगनबाड़ी के मामले में फंसा दिया CM के नाम, वो मेरे मकान गिरवाने के चक्कर में बार बार आवेदन लगा रहा है कि मकान गिर जाए। जीशान के पिता का नाम क्या है? एच रहमान छोटे मियाँ। इतवारे में के बारे में बता रहे थे कुछ, किस प्रवृत्ति के हैं? हाँ, वो छोटे मेरा कांग्रेस का कार्यकर्ता है और ये औरतों को फंसाना, ये हिंदुओं की वो मुस्लिम बनाना, धर्म परिवर्तन करना, यही काम है उसका। वही काम उसके बेटे का? हाँ, वही काम उसका बेटा कर रहा है। जो वकील है उसका लड़का, वो उसका साथ देता है। और TI साहब को भी बार बार फ़ोन लगा के कहता मेरे आदमियों को क्यों जेल में ला रहा हूँ। जीशान का क्या कहना है? उसने क्या शादी कर ली है क्या? हाँ, जीशान ने मेरे पास ऑडियो वीडियो पहुँचाया है। हाँ। कि मैंने निकाह कर लिया है। हाँ। आप कुछ नहीं कर सकते, अदालत से जो कुछ होगा अदालत से होगा। और आपने अभी आप नहीं, तलाक नहीं हुआ है? ना, मेरा अभी तक कोई तलाक नहीं हुआ, ना मैंने साइन करे। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि उसके चंगुल से मेरे बच्चे और बीवी को छुड़ाया जाए।